Friends, how are you? Students, today we are going to start chapter 3, trigonometric function, part 6. Okay, student. तो student, मैं ज्यादातर वही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो मुझे लगता है कि ये पेपर में आने के जिसके चांसेस हैं. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन. sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a प्लस 1 इक्वल्स टू tan 8a tan 2a. ठीक है स्टूडेंट. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. sec 8a तो इसको कीजिए 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4a प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट, यू नो दैट sec इक्वल्स टू 1 अपॉन cos, क्लास 10th की आइडेंटिटी है. sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा. एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट. तो यहां पे आ गया cos 8a, तो ये हो गया 1 माइनस cos 8a. ठीक है, इसका हो गया cos 4a, cos 4a, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4a. ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहां लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस cos 8a और ये नंबर हो जाएगा. ठीक है, cos 4a नीचे नीचे का नंबर है ना, तो डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा. नीचे रह जाएगा 1 प्लस cos 4a, 1 प्लस cos 4a और साथ में हो जाएगा cos 8a. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट, डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा वाला, cos 2 थीटा वाला. यहां लिखता हूं स्टूडेंट, है ना, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हमारे पास है, है ना. तो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में, तो आपको पता है cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, एक और है वैसे तो, टू और है, फोर होते हैं, तो ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, है ना. तो यहां देखते हैं स्टूडेंट, जब यहां पे 2 थीटा होता है स्टूडेंट, ये ही बात बहुत समझने की आपकी, यहां 2 थीटा होता है तो यहां क्या लिखता है, थीटा, क्या लिखता है यहां पे, थीटा. तो यहां 8 है, यानी यहां पर आपका रहेगा 8, तो आप क्या लिखोगे उसको, 4. तो ये जाएगा स्टूडेंट आपका 1 माइनस, इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या आएगा, 4. 8 है ना, यहां 2 होता है तो यहां थीटा होता है, तो यहां 8 है तो यहां 4 हो जाएगा. पीछे तो जो cos 4a सेम. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ब्रैकेट, यहां पे भी आ जाइए. अब यहां वाले पे हम ये वाला यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका 1 प्लस, ये हो गया 2 cos स्क्वायर, 4 है तो हाफ होगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 थीटा. तो यहां पे 2 होता है तो यहां पे थीटा आता है, यानी उसका हाफ आता है, तो यहां 4 है तो उसका हाफ आएगा, तो 2 थीटा. तो ये 1 तो हो गया, इसकी जगह हो गया 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट, और ये रह गया आपका cos 8 थीटा, 8a, ये थीटा नहीं है, a है भी. ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर
फॉर ए कॉस फॉर ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर टू ए कॉस एट ए। ठीक है स्टूडेंट, टू से आप टू कट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर है साइन स्क्वायर फॉर ए, तो इसको मैं लिखता हूं स्टूडेंट, इसको मैं लिख रहा हूं साइन फॉर ए अगेन साइन फॉर ए, दो बार लिखा है ना, और कॉस फॉर ए, पावर थी ना इसलिए टू टाइम कर दिया उसको। ठीक है स्टूडेंट, और ये है कॉस स्क्वायर टू ए, तो कॉस टू ए वापस से कॉस टू ए और कॉस एट ए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन टू थीटा, करेक्ट है ना, तो आइडेंटिटी क्लियर की हुई है। मेरे जो लेक्चर फोर है और फाइव है उसमें मैंने आइडेंटिटीज क्लियर की है। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पे टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो साइन टू थीटा, यानी यहां थीटा थीटा तो यहां पे टू थीटा, तो यहां पे देखिए मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से यहां किया, चेक करो ये, देखो टू साइन ए कॉस ए, टू साइन फॉर ए कॉस फॉर ए, तो ये तीनों मिलकर हो गए मेरे पास साइन एट ए, ये वाला पार्ट है तो ये लिख दिया ना मैंने, ठीक है, और ये रह गया मेरे पास साइन फॉर ए। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए यहां पे, तो ये टू तो है ही और ये है कॉस एट ए, पहले इसको लेते हैं ना, फिर आपके पास हो गया कॉस टू ए कॉस टू ए, करेक्ट है भाई, ये तो हो गया आपका टेन एट ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो ले लीजिए आप टेन एट ए साइन अपॉन कॉस टेन। ठीक है स्टूडेंट, साइन फोर ए को ब्रेक कीजिए इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, साइन टू थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास है साइन फोर ए, तो आप इसको लिखोगे टू साइन टू ए कॉस टू ए, चेक कर लो भाई। ठीक है स्टूडेंट, और ये रह गया आपके पास टू इंटू कॉस टू ए कॉस टू ए, तो टू से ये टू कट कीजिए, कॉस टू ए से कॉस टू ए कट कीजिए, तो साइन टू ए अपॉन कॉस टू ए, तो ये हो गया टेन टू ए साइन अपॉन कॉस। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास हो गया टेन एट ए और टेन टू ए। स्टूडेंट्स, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि आइडेंटिटीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आइडेंटिटीज यदि आपको क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आपके लिए एक पहाड़ बन जाएगा स्टूडेंट, और यदि ये आइडेंटिटीज आपके लिए क्लियर है आपके टिप्स पे है तो यही चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्मूथ बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि अभी तक भी यदि आपको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं हुई है, लर्न नहीं हुई है, तो प्लीज आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। If 2 cos theta equals to x plus 1 upon x, prove that 2 cos 3 theta equals to x की पावर 3 plus 1 upon x की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट टू कॉस, इधर से लिखते हैं थोड़ा, इधर जगह के लास्ट में कम पर कम रहती है, टू कॉस थ्री थीटा। तो टू कॉस थ्री थीटा होता है स्टूडेंट फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। आइडेंटिटी है भाई, कॉस थ्री थीटा की आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लाई करो तो एट कॉस क्यूब थीटा माइनस सिक्स कॉस थीटा। स्टूडेंट इसको लिखिए आप टू कॉस थीटा ऑल पावर थ्री, चेक कर लो एट हो गया टू की पावर थ्री, और इसको ले लीजिए स्टूडेंट थ्री और ये हो गया टू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट टू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये हो गई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर थ्री, और ये भी हो गया स्टूडेंट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी सॉल्व कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए इंटू बी, क्लास नाइन्थ की आइडेंटिटी है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए इंटू बी एंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये पार्ट हो गया यहां का माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए ये एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया और थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये है आपका पॉजिटिव पार्ट और ये है आपका नेगेटिव पार्ट, तो ये फुल इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, हो गया क्लियर, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसमें यदि आपको आइडेंटिटीज लाना आप कहीं नहीं अटकोगे, कहीं भी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यस स्टूडेंट आई हैव नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव दैट का क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, आप लिख देता हूं प्रूव दैट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड से। स्टूडेंट आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी साइन टू एक्स टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी मेरी एक्सप्लेन की हुई है स्टूडेंट। ठीक है, जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे जब टू होता है तो यहां पे हमारे पास केवल एक सिंगल आता है यानी उसका हाफ होके आता है, और जब हाफ है यानी हमारे पास वन है, जब यहां टू होता है तो यहां पे वन आता है, लेकिन जब यहां पे वन होता है तो उसका हाफ हो जाएगा वन बाई टू। ठीक है, तो यहां पे हो गया स्टूडेंट वन प्लस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो इसका हो गया नीचे आ जाइए वन माइनस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, आइडेंटिटी प्रूफ किया। ठीक है स्टूडेंट, अब लेते हैं इसका एलसीएम, इसका यहां कोई नहीं है तो वन ले लीजिए, यहां भी वन लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहां पे आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे भी एलसीएम ले लीजिए वन प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू टेन एक्स बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ इसको कैंसिल कर दीजिए। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास, देखिए ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी हो गया आपके पास, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास, तो ये हो गया वन माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, और ये पूरे का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए आपको पता है कि टेन पाई बाई फोर ये वन होता है ना, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो ये आप ले सकते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू वन माइनस। ठीक है स्टूडेंट, इसको यदि मैं वन से इंटू करूंगा तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इस वन की वैल्यू में ये लिख सकता हूं, तो टेन पाई बाई फोर एंड टेन एक्स बाई टू, इस वन की जगह लिया मैंने ये, तो स्टूडेंट ये मेरे पास आइडेंटिटी हो गई टेन ए प्लस बी की, ये हो गई टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू की आइडेंटिटी हो गई, है ना, टेन ए प्लस टेन बी ये वाली आइडेंटिटी हो गई ना, टेन ए प्लस बी वाली, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू, अच्छा ये टू पावर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पावर यहां से यहां गई, तो ये हो जाएगा टेन, एक ही बात है यहां कीजिए चाहे यहां कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर ये दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही मतलब, इसका मतलब भी है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और उसका मतलब भी साइन एक्स, तो ये टू पावर है, तो यहां हो गया, तो ये हो गया आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो स्टूडेंट यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।